बॉलीवुड में ऐसी कई एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने अपनी फिल्मों में आवाज डब करवाई है। कभी अपनी आवाज की टोन या फिर कभी हिंदी साफ न होने की वजह से। तो चलिए देखते हैं ऐसी कौन सी वो एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने अपनी फिल्मों में लिया डबिंग का सहारा। कैटरीना कैफ की आवाज मैंने प्यार क्यों किया, सरकार और हमको दीवाना कर गए में डब की गई थी। उन्होंने नमस्ते लंदन के लिए पहली बार अपनी रियल वॉइस रखी। श्रीदेवी ने चांदनी फिल्म में पहली बार अपनी असली आवाज लोगों को सुनाई। इससे पहले उनकी आवाज डब की जाती थी। फिल्म आखिरी रास्ता के लिए तो रेखा ने श्रीदेवी की आवाज डब की थी। रानी मुखर्जी की आवाज हस्की होने के कारण गुलाम फिल्म में उनकी आवाज को डब किया गया था। दुश्मन फिल्म में काजोल की आवाज को भी किसी और की आवाज में डब किया गया। बॉलीवुड की बॉम्बशेल बिपाशा बासु ने सबको भले ही अपना फैन बना दिया था, लेकिन डायरेक्टर को उनकी आवाज में कोई जादू नजर नहीं आया, इसलिए राज, जिस्म और अजनबी में उनकी आवाज डब की गई। आज दीपिका पादुकोण बॉलीवुड की नंबर वन एक्ट्रेस हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ओम शांति ओम में दीपिका पादुकोण की आवाज को डब किया गया था। दिल से मूवी से बॉलीवुड में एंट्री करने वाली प्रीति जिंटा की सोल्जर मूवी में आवाज डब की गई थी।